सीसीटीवी कैमरा है तो पोजीशन दिखावा। मेरी गुजारिश है जो यूट्यूबर्स देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अभी इस टाइम हम बिल्कुल शहजाद भाई के घर के सामने पहुंच चुके हैं। अच्छा मैं किनारे लगा हूं वसीम भाई को केला, क्योंकि ये केला तो नहीं कह सकते, केली कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लड़का और मेरा नाम है वसीम बकरी और मेरा नाम है जुहेब। आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं टू व्लॉगर। तो आज जो हमारा व्लॉग है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम रियल तो वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो आपने देख लिया होगा कि हम किसके पास जा रहे हैं। उस बंदे ने हमें इन्वाइट किया कि वसीम भाई आप मेरे पास आओ, आपने चैनल क्रिएट किया तो आप मेरे पास लाजमी है, तो पहला व्लॉग आप मेरे साथ डालें। तो मैंने ऑलरेडी एक पहले व्लॉग डाला हुआ था, वो कहते हैं मेरे पास है, वो हमारा वेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं शहजाद भाई के पास, तो हमारे साथ रहिएगा, आपको दिखाएंगे कितना दूर उसका घर है। अगो मेरे को भूल गई है, चलो जोल। हाँ जी, तो हम निकल चुके हैं सुल्तान कॉलोनी से, इस भाई को पिक करना था, इसने बहुत ज्यादा वेट करवाया। अच्छा मुझे ये बताया पहले, आप लोगों ने चैनल का नाम टू व्लॉगर क्यों रख दिया है? भाई हमारा हमें ये नाम पसंद आया। अच्छा, मैंने सोचा हुआ था आज से तकरीबन 3 साल पहले, मैंने सोचा अगर मैं चैनल क्रिएट करूंगा मैं अपने साथ एक पार्टनर रखूंगा और हम चैनल का नाम रखेंगे टू व्लॉगर। बात ये है कि इस चैनल पे ना आपको जो व्लॉग मिलेंगे ये नहीं कि लोकल व्लॉग मिलेंगे जिस तरह हर बंदा अपने घर भाई सेलिब्रिटीज के साथ, जैसे डक्की भाई होगा मिलेंगे, लेकिन हम इसके ऊपर काम करेंगे प्रोफेशनल सर्वाइवर, हम सर्वाइव करेंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे कि हम कैसे कैसे चैनल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने साथ रहना, आप लोगों ने जस्ट कमेंट करना है कि आपने फलां बंदे से मिलना है, आगे हमारा काम है फलां बंदे का 24 hours गुजारना है, 48 hours गुजारना है फलां जगह पे, तो इंशाल्लाह वो काम करना इन दोनों भाइयों का काम है, वो करेंगे पूरा करके आपको दिखाएंगे लाजमी। तो जैसे आपको पता है कि हम जा रहे हैं मोहम्मद शहजाद और वेला मुंडा के घर, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है, तो जाते हैं उनके साथ गपशप लगाएंगे, आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। हम ये भी आज उनसे पूछेंगे, ये सवाल भी करेंगे, भाई वायरल होने के बाद आपको क्या फायदा मिला ज्यादा, वो तो हमें पता है क्या क्या फायदा मिला, और उसकी मंथली इनकम कितना है यूट्यूब से सोशल मीडिया से उसकी मंथली इनकम कितना है, वो भी हम उससे पूछेंगे और वो बताएगा मुझे। जो भी न्यूज यूजर है वो यूट्यूब पे कैसे कामयाब हो सकता है, आप भी मेहनत करें, आप वीडियो के साथ बने रहिए, देखें कि कैसे वेला मुंडा अपनी रहनुमाई करता है कि एक न्यूज यूजर यूट्यूब बना के और कामयाब हो सकता है। तो ये जी भाई ने जो न्यू गाड़ी ली है उसका ये इंटीरियर है, आप चेक कर सकते हैं, मजा ही कुछ और है इस गाड़ी का, पिकअप इसकी कमाल है यार। ये गाड़ी कहती है मुझे बस आप एक्सीलेटर दें, बस मैं जहाज बन जाऊंगी। मैंने सिविक भी रखी है लेकिन जब से मैं इस गाड़ी पे आया हूँ ना भाई, इंडो बस गाड़ी का फ्यूल डलवा लेते हैं, टैंकी फुल हो रही है भाई, फ्यूल मैं खुद डाल रहा हूँ। वो तो जानते होंगे क्योंकि उन्होंने मुलाकात की हुई है मेरे वेले। आज हम आपको वो चीज दिखाते हैं जहाँ से वेले मुंडे की पहली वीडियो वायरल हुई थी, एक पुल थी, पुल जहाँ से एक रक्षा गुजरा था, उसने वीडियो बनाई थी कि खतरनाक पुल, उसका एक थंबनेल है ना खतरनाक पुल, वो आपको ये पुल दिखाते हैं, क्या वाकई में वो खतरनाक पुल है। ये जो वीडियो की वायरल हुई थी जो भाई बता रहे है, ये थंबनेल का जो स्क्रीन शॉट है ये आप सामने देख सकते हैं, तो अभी जैसे वो आती है तो वीडियो आपको दिखाते हैं। स्लो मोशन भाई, इसके सामने से रोकना, ये वो पुल यहाँ पे वेले मुंडे की जो वीडियो है ना 1 million पे गई थी, ये थंबनेल आप देख सकते हैं पहली वीडियो, वाह पहुंच चुके हैं जहाँ पे वेले मुंडे का घर को जो रास्ता जाता है ये चौक है। तो जब वेला मुंडा वसीम भाई के पास मिलने आए तो यहीं तो से पेट्रोल डलवाया था, वो पेट्रोल वाली जगह आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर रुका हुआ था, जोल। अभी इस टाइम हम बिल्कुल शहजाद भाई के घर के सामने पहुँच चुके हैं। चले वसीम भाई, चले चले लो जी, हम इस टाइम शहजाद भाई के घर के सामने पहुंच चुके हैं, बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक उसके घर के बाहर, उसके घर पहुंच चुके हैं अभी। मेरा दिल कर रहा है यहाँ से शहजाद भाई को मिलके ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं यार। किधर जाना है? मेरा प्लान बन रहा है मरी का, इस्लामाबाद का,
या फिर फूल महीने चलते हैं। हम जा रहे हैं कैसा मौसम है? हम जा रहे हैं दो फार्चूनर होगी एक सिवक होगी ईद के दिन। अच्छा मैं खिलाने लगा हूँ वसीम भाई को केला, क्योंकि ये केला तो नहीं कह सकते, केली कह सकते हैं केली मजेदार, केले का दर्जा नहीं ले सकते, केला केला है भैया यार, इतना बड़ा कोई दूसरी होता है। मैं सुना हूँ चाय वगैरह ओके चाय पी रहे हैं, शहजाद भाई खिदमत कर रहे हैं हमारी, तो अभी शहजाद भाई आ रहे हैं, फ्रेश हो रहे थे हम जब पहुँचे तो खिदमत कर। वालेकुम सलाम चाचू, शहजाद भाई ने हमारे लिए चाय भी मंगवाई है, सॉस वगैरह और बिस्किट फ्रेश मिल्क के लिए नमकीन वगैरह भी है। कुछ टाइम वेट करने के बाद फाइनली शहजाद भाई आ गए, उसके साथ गप्पे शप्पे लगाई, खाना भी खाया उसके साथ, फिर उसके और दोस्त भी आ गए, उन्होंने मुलाकात की, काफ़ी टाइम बाद मिले थे तो शहजाद भाई को रखे पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, हमें भी शहजाद भाई से मिलके बहुत मज़ा आया, लव यू शहजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनली हम शहजाद भाई के पास पहुंच चुके हैं, इनसे मिले गपशप लगाने के बाद अब हम इनसे लेने लगे इजाजत, काफी अच्छे बंदे हैं, तो इजाजत भाई शहजाद भाई हमारे व्यूअर्स को खुश कर दें। आपके व्यूअर्स से गुजारिश है कि जनाब माशाल्लाह वसीम भाई से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, अल्लाह पाक इनको इज्जत अता करे, सेहत अता करे और यूट्यूब सोशल मीडिया पर कामयाबी अता करे। और सेकंड बात यह कि माशाल्लाह ये पहले टिकटॉक के ऊपर काम करते रहे हैं तकरीबन कोई आज से साल दो साल पहले, हाँ दो साल पहले काम करते रहे, माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क करते रहे, लेकिन इन्होंने फिर रिज़ाइन दे दिया था टिकटॉक कुछ ज़ाती मसूफियात की वजह से, उसके बाद जनाब अब दो साल के बाद इन्होंने अब फिर जो है ज्वाइन किया है यूट्यूब को, तो मेरी गुजारिश है जो यूट्यूबर्स देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं तो जनाब इनको सपोर्ट सब्सक्राइब और लाइक कमेंट, और कमेंट में लव फ्रॉम वेला मुंडा जरूर लिखना है आपने, ताकि मेरा भाई जो है ना सोशल मीडिया पे दोबारा आए और इनको वेलकम करते हैं, इंशाल्लाह इतने अता करें। ठीक है आप हमें इजाज़त दें, अल्लाह इज्जत ओके भाई जान जी गाइस, तो हम शहजाद भाई से हमने इजाज़त ली, शहजाद भाई ने काफ़ी खिदमत की, कह रहे थे यार आप आज मेरे पास रहो रुको, मैंने कहा यार हमने आगे भी जाना है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, और शहजाद भाई ने काफ़ी रिस्पेक्ट दी, मैंने समझा था कि वो मुझे भूल चुके होंगे क्योंकि तीन साल बाद हम मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है उसे, और हमेशा ऐसे ही लोगों को अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है जो दूसरों की पहचान रखते हैं। तो शहजाद भाई से मिलकर अच्छा लगा, अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है, और शहजाद भाई ने भी आप लोगों को कह दिया ठीक है, जितने भी उनके यूज़र हैं उन्होंने भी सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल टू व्लॉगर, थैंक यू।